सो हेलो स्टूडेंट्स, यह है तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ गाइस तुम्हारे साइंस के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक्स आने वाले हैं। हाँ यार, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो तुम सभी के लिए है। तुम्हारा साइंस का एग्जाम गाइस बहुत जल्द है, और देखो ये मैं कुछ तुम्हें ऐसे टॉपिक्स इस वीडियो में बता दूंगा जो कि डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, जिन्हें सिर्फ तुम पढ़ जाते हो। हाँ यार, देखो इतना टाइम नहीं है कि अब तुम पूरी की पूरी एनसीईआरटी को जो है बार बार पढ़ो, ठीक है। तो गाइस बस ये टॉपिक्स कर जाओ, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ कुछ टॉपिक बताऊंगा, उन्हें तुम्हें अच्छे से याद करना है, उन टॉपिक्स को समझ के जाना है, ठीक है। तो चलिए गाइस, तो यार देखो बिना टाइम वेस्ट करे बात करते हैं गाइस यहाँ पे केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा चैप्टर बना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यार देखो इसमें सबसे पहली चीज जो कि गाइस बैलेंसिंग। हाँ यार देखो, बैलेंसिंग का अच्छे से कंसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, इससे रिगार्डिंग गाइस आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। बात करेंगे गाइस हम एमसीक्यू की, देखो जो चैप्टर वन है उसमें से एमसीक्यू आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे, ठीक है। देन गाइस देखो, टाइप ऑफ रिएक्शन एंड इक्वेशन जितनी भी अपनी रिएक्शन है गाइस, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इनका मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए, और इनके ना कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी से पढ़ के चले जाना, जिससे गाइस तुम्हें जो एग्जाम्पल पता चल सके, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जैक्ट डेफिनेशन आए ऐसे बहुत कम चांस है, लेकिन गाइस एग्जाम्पल पढ़ जाओगे उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है एमसीक्यू में। देन गाइस ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इससे भी गाइस आपके एमसीक्यू आएंगे। और देन गाइस देखो एक्टिविटीज इस चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल का हमने सैंपल पेपर भी गाइस जो देखा था उसमें तुम्हें देखने मिल सकता है कि गाइस एक्टिविटीज है, हमारे दो तीन एमसीक्यू आए थे। तो यार देखो एक्टिविटीज तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाननी है, ठीक है। कुछ नहीं करना एक्टिविटीज के लिए, सिंपल सा फंडा है, जो एक्टिविटीज थोड़ी एनसीईआरटी में दे रखी है उसके आसपास गाइस जितनी भी लाइनें हैं ना, दो तीन पैराग्राफ जो है उन्हें अच्छे से पढ़ जाओ, तुम्हारी एक्टिविटी हो जाएगी, तुम्हारे लक्ष्य समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन गाइस देखो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें देखो हमारी जो गाइस केमिकल रिएक्शन है एसिड की मेटल्स है, या हम बात करें बेस के एसिड से जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बहुत अच्छे से समझनी है। देन गाइस पीएच स्केल पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि हायर पीएच होगा तो जो है मेटल मतलब एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये सब, ठीक है। देन गाइस देखो क्लोर एल्कली प्रोसेस जो कि एक एक्टिविटी भी है तुम्हारी बेसिकली, इसे भी तुम अच्छे से समझना है। देन देखो इसमें जितने भी सॉल्ट हैं उनका जो केमिकल फॉर्मूला है उसे अच्छे से याद कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यार देखो इसकी भी एक्टिविटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखो केमिस्ट्री में एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में गाइस डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और जो है गाइस आपके फिजिक्स में फॉर्मूलाज, तो देखो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो कि तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए, वही कंसेप्ट होगा इसमें आपको बता ही रहा हूँ कि इन अच्छे से कर जाओ। देन गाइस देखो मेटल नॉन मेटल्स में हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, रिएक्टिविटी सीरीज या फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन गाइस मेटलर्जी का प्रोसेस, और बात करें गाइस यहाँ पे और गैंगी जैसे शॉर्ट डेफिनेशंस भी तुम्हें पता चाहिए, ठीक है। देन यार देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो जाता है एक केमिस्ट्री का, ठीक है, एंड इससे यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। तो यार देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो कि मैंने ये सब दिए, देन नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें काफ़ी। देन गाइस देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। देन गाइस सोपन डिटर्जेंट, इसे ही पढ़ जाना, इससे वैसे क्वेश्चन कम आते हैं बट पढ़ के चले जाना, ठीक है। देन यार देखो बायोलॉजी की बात करते हैं, तो यार देखो आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूँ, अगर तुम चैनल फर्स्ट टाइम है अगर सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे सभी एग्जाम्स रिगार्डिंग गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज यहाँ तुम्हें मिल देंगे, ठीक है। तो गाइस देखो लाइव प्रोसेस जो कि हमारा चैप्टर है, जो कि काफी लेंथी चैप्टर स्टूडेंट्स को लगता है, लेकिन गाइस बस ये टॉपिक्स कर जाओ, बहुत होगा इसमें, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, तो यार देखो इसके लिए मैं कहूँगा कि जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है बस उसे अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन हम देख रहे हैं गाइस काफ़ी डीपली आपसे पूछे जा रहे हैं। देन गाइस देखो रेस्पिरेशन में ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन हार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी आ सकता है तो अच्छे से याद रखना, ठीक है। देन गाइस देखो एक्सक्रेशन में नेफ्रॉन, ये अच्छे से पढ़ जाना। यार देखो बात करते हैं देन यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, इसमें देखो गाइस न्यूरॉन का डायग्राम अच्छे से करना। यार देखो डायग्राम जितने भी हैं उनकी गाइस मैंने एक वीडियो तुम्हें बना दी है, इस वीडियो को तुम देख सकते हो, इसके डिस्क्रिप्शन में गाइस पूरे पीडीएफ डाल दिए जिसमें तुम्हारे सारे डायग्राम अपने साइंस के मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो लास्ट टाइम में जितने भी स्टडी मटेरियल में तुम्हें प्रोवाइड करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम सभी के लिए अच्छा स्कोर करने के लिए। एंड यार देखो बात करें गाइस यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन की, हम प्लांट एंड ह्यूमन हार्मोन्स, तो देखो बेसिकली ये जो पीडीएफ है इसका भी लिंक मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तुम इसे अच्छे से देख सकते हो। बाकी गाइस जो जो टॉपिक्स में तुम्हें बता रहा हूँ इन्हें अच्छे से सुन लो अभी, ठीक है। देन गाइस लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं तुम्हें दूंगा जो कि डेफिनेटली तुम्हें 100 out of 100 स्कोर करवा देगी साइंस में, अगर तुम गाइस अभी तक तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, ठीक है, और नहीं रही है तो गाइस तुम डेफिनेटली 90+ तब भी चले जाओगे, ठीक है।
देन गाइस बात करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म गेट रिप्रोड्यूस। तो यार देखो इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म तो अमीबा वाला इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन यार देखो रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट इसका डायग्राम बहुत आ जाता है कभी कभी, इसमें जो आपके लेबलिंग भी पूछ सकता है वो डायग्राम की, ठीक है उसे अच्छे से पढ़ के जाना। देन गाइस रिप्रोडक्शन ह्यूमंस, तो यार इसमें जितने भी छोटे मोटे कंसेप्ट हैं उन्हें जितने तुम अच्छे से याद कर सकते हो कर लेना, ठीक है। देन गाइस रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी सारे देखे जाते हैं, ठीक है। और इसमें बच्चा जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है इससे जो है इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। देन गाइस हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें गाइस मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स डिटरमिनेशन, ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से कर जाओ बहुत है। फिर देखो जितने भी टॉपिक्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो के बाद तुम्हें क्या करना है गाइस, जितनी भी मैंने तुम्हें एक क्विक रिविजन वाली वीडियो तुम्हारे सामने आएगी गाइस उस अच्छे से देख लेना, तुम्हारी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी देखो मैंने तुम्हें डायग्राम्स के लिए बता दिया है कि उसकी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी। तो यार देखो पूरी कंप्लीट पैकेज हम यहाँ गाइस अगर तुम करके जाओगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे साइंस में, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने खुद साइंस में 100 out of 100 स्कोर किया गया इस बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यार देखो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं लास्ट के टाइम में। देन गाइस देखो फिजिक्स में लाइट आपका जो चैप्टर है इसमें कुछ डेफिनेशन, बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकस लेंथ, ठीक है, तो इन अच्छे से। देन गाइस देखो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस आपके न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे अगर आपको फॉर्मूलाज पता होंगे। तो यार देखो ये फॉर्मूलाज तुम्हारे सामने सब लिखे हैं, मेरा फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला पावर ऑफ लेंस का, ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। देन गाइस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देन गाइस देखो ह्यूमन आई में हम बात करेंगे गाइस इसके डायग्राम की, फंक्शन की, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो इफेक्ट हैं जैसे कि मायोपिया और प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये इंपॉर्टेंट है। देन गाइस देखो प्रिज्म डिस्पर्जन ऑफ वाइल्ड लाइट, इससे भी कंसेप्ट जो है ये कंसेप्ट इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देन गाइस बात करें हम रेनबो फॉर्मेशन की, कॉम्बिनेशन स्पेक्ट्रम की, तो यार देखो ये सब बेसिकली चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। देन गाइस देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बेसिक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में। देन गाइस बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जिसकी काफ़ी ज़्यादा वेटेज आपकी है, ठीक है। तो यार देखो इसमें जितने फार्मूलाज हैं ओम्स लॉ ये सब इंपॉर्टेंट है। और देन गाइस फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इसका जो फार्मूला अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। देन गाइस रीजन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाँ यार देखो इससे भी एक आधा क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है, वैसे चांस कम है लेकिन हाँ अगर तुम जो है थोड़े बहुत एक आधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर जाओगे बहुत है। तो यार देखो लास्ट टाइम में तुमसे मैं कहूँगा कि बस एनसीईआरटी से जो भी तुम कंसेप्ट मैंने तुम्हें बताए इन्हें पढ़ लो, बाकी जो गाइस जितने भी कंसेप्ट है ना उन्हें यार छोड़ दो, वो नहीं आएंगे डेफिनेटली। ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके मैंने तुम्हें ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो देखो गाइस इसमें पावर और हीटिंग इफेक्ट चूज स्लो जो है उस अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने तुम्हें बता दिए हैं। एनसीईआरटी से पढ़ो गाइस, एक एक लाइन को पढ़ के जाओ, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो यार देखो मेहनत तुम्हें करनी है, चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस इन्हें कर लेते हो तो अच्छा स्कोर करोगे। बाकी गाइस देखो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड, और गाइस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये इंपॉर्टेंट है। देन गाइस इकोसिस्टम टाइप्स, ओजोन लेयर डिप्लीशन, वेस्ट प्रोटेक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सब चीज़ें आपके आर एनवायरमेंट चैप्टर से आएंगी, ठीक है। तो यार बस इसी के साथ अपना साइंस का पूरा जो सिलेबस है वो फिनिश हो जाता है। तो यार देखो क्या करना है तुम्हें, अब इस वीडियो के बाद मैं तुम्हें टॉपिक्स बता दिए हैं, तुम्हें इन्हें एनसीईआरटी से पढ़ना है, एक एक टॉपिक को देख लो, बस उस चैप्टर से उसी टॉपिक को उठाओ जो मैंने तुम्हें इसमें लिखा है, ठीक है, और उसे पढ़ लो, बहुत हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम्हें और कोई रिविजन नहीं करना, बस ये कर लो अपने एंड पर, ठीक है। तो यार देखो ये चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी हैं, तो गाइस आई होप कि तुम सब बहुत अच्छा स्कोर करोगे बोर्ड एग्जाम में। हाँ यार देखो पूरे साल की मेहनत यहाँ अब तुम्हें लगानी है, जितनी मेहनत तुम कर सकते हो, जितना टाइम तुम गाइस निकाल पा रहे हो अपने पूरे दिन में, गाइस लगा दो इन कुछ दिनों की मेहनत, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, एक बहुत खूबसूरत रिजल्ट तुम्हें चाहिए। और यार देखो हर एक सब्जेक्ट को हमें इक्वल वेटेज के साथ लेना है, पूरी ताकत के साथ हर एक एग्जाम देके आओ, बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन पर मैंने तुम्हें बताया है कि यार ये टॉपिक्स अगर तुम पढ़ जाते हो बहुत अच्छा स्कोर तुम डेफिनेटली करोगे अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है, और अगर तुम नहीं भी अच्छी है या अभी भी ये कंसेप्ट वीक है तो क्या करें। तो यार उसके लिए देखो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, उन्हें कंटिन्यूसली देखो, बस यार इन चीज़ों को फॉलो करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लास्ट का टाइम में, ठीक है। तो चलिए गाइस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक बने रहो अपने प्यार वाले स्टडी के साथ।